ग्रॉसरी जब भी आप इस तरह से मंगाएं, शॉपिंग करके आए, तो फिर बाद में पार्सल आने के बाद आप उसे बिल से एक बार ज़रूर मिला लें, ताकि कोई चीज़ अगर मिस हुई हो तो वो भी आप उन्हें एट अ टाइम बता सकें। बाद में फिर बड़ी मुश्किल होती है, तो अक्सर ऐसी गलती होती रहती है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ। और मैंने आज ब्लैक कपड़ा वेयर किया है, और फिलहाल मैं अपने ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तो मैं आपके साथ में वहाँ की चीज़ें शेयर करूँगी। और मैं नर्सरी भी जाऊँगी, वहाँ कुछ प्लांट्स मुझे लेने। जब हमारी सुबह जल्दी हो जाती है तो ये हमारा फेवरेट में से एक है, चाय और इस तरह के बेकरी के बिस्किट्स, जिसे आप अगर टोस्ट को पापा बिस्किट कहें तो ये मम्मी बिस्किट है, तो ये हमें पसंद है। फिर हमने नाश्ते में मंगाया, आज कुछ स्नैक्स खाने का दिल कर रहा था तो हमने कचौरी, सब्ज़ी और जलेबी मंगाई। कभी कभी अपने अपने हाथ का खाते खाते हम उब जाते हैं, तो हमें मन करता है कुछ स्पाइसी और कुछ अलग खाया जाए। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, और आप मुझे बताएंगे मेरा गेटअप कैसा लगा। ये मैंने प्यारी से ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनी है, और ब्लैक कलर की विशुद्ध कंपनी की कुर्ती पहनी है, साथ में मैंने गोल्डन कलर का स्टॉल लिया और ब्लू कलर का जींस पहना है। फाइनली हम अपने मंजिल को पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे सारी चीज़ें सामने में डिस्प्ले होती है, तो हमें लेना आसान होता है। ये ग्रॉसरी मार्ट जो है वो शाहपुर में विवेकानंद चौक के पास में आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको हर चीज़ घर की जो ज़रूरत की चीज़ होती है वो ये मिल जाती है। अलग अलग आपको शॉप पे नहीं जाना होता लेने के लिए, तो इनके पास हमें आसानी से मिल जाती है। पास में ही है, विवेकानंद चौक के पास में ही, गढ़वा रोड जब आप टर्न करते हैं तो वहीं पे मिल जाएगा ये APS जोन मार्ट करके। तो यहाँ पे मैंने सब ग्रॉसरी परचेज करनी शुरू की। लिस्ट तो बना के ले जाती हूँ, बट जब सामने में डिस्प्ले में लगा होता ना, तो चीज़ें देख के आपको ज़्यादा पता चल जाता है कि आपके घर में कौन सी चीज़ें और अलग से आनी है और कौन सी चीज़ें और आपको इसमें ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने सूप लिया, ठंड में सूप का मज़ा भी अपना ये जगह पे है, तो हमने नोर का सूप लिया, कॉर्न लिया, मिक्स वेज लिया। और यहाँ पे दानियल हमारी शॉपिंग में हेल्प कर रहे थे, वो ट्रॉली लेके घूम रहे थे, हमारी ट्रॉली फुल हो चुकी थी। बच्चों को शॉपिंग करने में हमारे साथ बहुत मज़ा आता है, बट हमें मज़ा नहीं आता है। पहले तो उन्हें गोदी में लेके शॉपिंग करो, और अगर उतार दो तो वो सारी चीज़ें जो हैं जितनी भी सजी संवारी रहती है मार्ट में, वो भी उतारने लगते हैं। तो मैंने दानियल को फाइनली ट्रॉली में डाल दिया, ताकि वो एक हाथ में मेरे कंट्रोल में रहें, ऐसे उन्हें दौड़ दौड़ के पकड़ना पड़ता है हर जगह से। तो वो ट्रॉली में ही अपना घूम रहे हैं, और मैं बाकी चीज़ हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इस वजह से मैंने बहुत सी चीज़ों को कट कर दिया, जैसे हमारा रास्ते में जाना, बाइक के चीज़ों को आप क्या देखेंगे। मैं फाइनली नर्सरी पहुंच चुकी हूँ, और नर्सरी में बहुत सारी वेराइटी आई हुई है, क्योंकि ठंड में आपको हर तरह के फ्लावर वाले पौधे आसानी से मिल जाते हैं। शो प्लांट्स का उतना अच्छा ग्रोथ नहीं होता है, पर मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये नर्सरी भी आपको शाहपुर एंटर करते समय में रोड पर ही मिल जाएगा। आप जब डाल्टनगंज के होंगे तो आपको मालूम होगा, शाहपुर और डाल्टनगंज में कोयल नदी जो पुल है वही साइड में आपको ये नर्सरी मिलेगी। नर्सरी में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी आई, बस गेंदा का कुछ खास मुझे नहीं दिखा। मैंने रोज यहाँ से परचेज किए, और कुछ शो प्लांट्स लिए, बट ज़्यादा मैंने गुलदौदी के फ्लावर प्लांट लिए, क्योंकि बाकी सारे क्रोटोन्स वगैरह मेरे पास हैं। तो अगर आपको भी पौधे लेने हेल्दी, तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं प्लांट्स को, तो मैं एक बार यहाँ की वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, और आपको सारे प्लांट्स की भी नॉलेज दे दूँगी। तो अभी यहाँ पे बहुत प्यारे, ये 30-30 रुपीज़ में मुझे गुलदौदी मिले हैं, तो अगर आपको भी चाहिए Finally, तो ये हमारी ग्रॉसरी डिलीवर हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये मेरा बिल है, और बिल का टोटल अमाउंट तो दिखाने से मैं वैसे प्राइस इसका डेंथस ये और गुलदौदी हमारा, क्योंकि अब जो एड्रेस है मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये हमारे घर के पास में ही है। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना, कि होम डिलीवरी मुझे घर पे मिल जाती है, और फ़ोन पे से मैं इसका पेमेंट कर देती हूँ। प्राइस लमसम सबके कुछ ना कुछ 5-10 करके कम रहते हैं। ये मेरी टोटल शॉपिंग है, तो पेटी में पूरा नहीं आ पाया था, इसलिए उसने जो चूर होने वाली चीज़ थी वो अलग से वो दे देते हैं, पहुँचा देते हैं मुझे। तो अब ये सारी चीज़ें तो हर किसी के घर में आती है, बट ये चीज़ मेरी फेवरेट है, जो मैं पूरे ठंडे खाती हूँ, चिक्की। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इससे पहले मैंने हल्दीराम के लिए थे, बट ये मुझे इस बार इंडिया कंपनी के मिले हैं। बाकी सब कुछ है, पूरे मंथ की ग्रॉसरी है, मुझे फिर कुछ लेनी नहीं पड़ती है।
और यहाँ पे मैंने बच्चों की चीज़ें ले ली है, जैसे दानियल का ये चॉकलेट है, यहाँ पे दानियल का लेज है। ये सब चीज़ें मैं डेली बेस पे इसको नहीं देती हूँ, जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है तब मुझे देना पड़ता है। वैसे डेली बेस पे ये सब चीज़ों की हैबिट मैंने नहीं लगाई है। ये हस्बैंड की टिफ़िन में और दानियल के स्नैक्स के लिए ओरियो बिस्किट। चलिए खैर, सब गंदा होगा बेटा, सैंडल खुल गया उसका।